मैं बताने वाली हूँ आपको, आज मैं बताने जा रही हूँ आपको किचन मैनेजमेंट के बारे में। किचन मैनेजमेंट क्या होता है, किचन मैनेजमेंट आउटडोर में किचन को कैसे मैनेज किया जाता है, किस तरह से काम होता है किचन में, उसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ। तो फर्स्ट स्टेप होता है मटेरियल रिसीविंग, यानी कि हमारी टीम वहाँ पे अर्ली मॉर्निंग पहुँचती है, मटेरियल को रिसीव करती है। उसके बाद साइमल्टेनियसली जो और टीम मेंबर्स होते हैं वो हमारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्टेशन डिफाइन करते हैं। पहला स्टेशन हमारा होता है ग्रोसरी स्टोर, जहाँ पे हमारी सारी ग्रोसरी आइटम्स, हमारे डेयरी प्रोडक्ट, हमारे मटेरियल, हमारे फ्रूट वेजिटेबल्स, उनको स्टोर किया जाता है। सेकेंड डे हमारे स्टेशन बनता है प्रिपरेशन स्टेशन, जहाँ पे हमारे अलग अलग शेफ अपने अपने कुजीन्स में जो जो उनके मेन्यू में डिफाइन होता है उनको जो भी प्रिपरेशन करना होता है वो उस स्टेशन पे प्रिपरेशन करते हैं। थर्ड हमारे होते हैं कुकिंग रेंज, जहाँ पे हमारी कुकिंग एक्चुअल होती है, उन कुकिंग रेंज को ऑर्गेनाइज करने के बाद वहाँ पे कुकिंग की जाती है, उस एरिया को डिफाइन किया जाता है। थर्ड होता है पिकअप स्टेशन, जहाँ पे खाने को पिक किया जाता है। उनको बनाना तो ईजी है, कोई भी रेसिपीज आप इंटरनेट पे देख सकते हैं, उसको सीख सकते हैं, बट उसकी प्रेजेंटेशन का पार्ट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपने फूड को कैसे प्रेजेंट किया हुआ है, आपने उसको किस शेफिंग डिश में कैसे लगाया हुआ है, किस प्लेटर में आपने उसको किया हुआ है और कैसे गार्निश किया हुआ है आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी डेजर्ट्स को बनाना, किसी डिश को बनाने के लिए। फूड प्लानिंग क्या होता है, बफे डिजाइनिंग कैसे की जाती है और एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है, ये मैं आपको बताऊंगी अपने नेक्स्ट एपिसोड में, जहां हमारे क्लाइंट हमारे फूड से एक्चुअल एंटरटेन होते हैं। दोस्त हुआ फूड लवर रियली इंटरेस्टेड इन होटल मैनेजमेंट एंड इवन आउटडोर केटरिंग, दे मस्ट वॉच माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।